हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक माँ जब भी गर्भवती होती है तो उसके मन में ये सवाल चलता है कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त है या नहीं है, मेरा बच्चा गर्भ के अंदर सही सलामत है या नहीं है, बच्चे को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि 5 ऐसे सिम्टम्स जो आपको दिखे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये संकेत ऐसे होते हैं जिसमें आपको देख करके तुरंत आपको पता लगेगा कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे के अंदर कोई परेशानी आ रही है, तभी आप जो जाकर के डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ अनहेल्दी प्रेगनेंसी सिम्टम्स, तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो सबसे पहले ये है फ्रेंड्स कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश मैं ज़रूर करती हूँ कि जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन तक आप तक आएगा और आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड, पहला जो सिम्टम्स है अनहेल्दी प्रेगनेंसी का वो ये है कि बहुत सारी महिलाओं का पेट निकलता है 4th महीने के लास्ट वीक में या फिर 5वें महीने के फर्स्ट वीक में। अगर तब भी आपका पेट आपको देख करके कोई नहीं बता रहा है और ना ही पेट आपका निकला है और आपका 5वां महीना चल रहा है और आपका थोड़ा सा भी पेट नहीं दिख रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। क्योंकि बच्चे की ग्रोथ, जब आपके बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी, बच्चे का विकास होगा, तो आपका पेट भी बढ़ना चाहिए। अगर पेट नहीं बढ़ रहा है तो यानी कि बच्चे के विकास के अंदर कोई भी दुविधा आ रही है, बच्चे का विकास जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा सिम्टम्स फ्रेंड ये है बहुत ही अनहेल्दी प्रेगनेंसी का कि बच्चे की मूवमेंट, अगर आपका मोस्टली लेडीज़ों की जो मूवमेंट होती है बच्चे की वो 5 या 5.5 महीने में हो जाती है, बट अगर आपका 6 महीने का 2nd वीक लग गया है और 6 महीना भी पार होने लग गया है और आपको जो है बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की हलचल जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो मैं यही बोलूँगी कि आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि बच्चे की जो है मूवमेंट मुझे होती हुई नहीं समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये आपको देख करके तुरंत देखना है और तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए कि बच्चे की जो है मूवमेंट नहीं हो रही है। इसके बाद है फ्रेंड्स कि अगर आपको बच्चे की मूवमेंट जो है, अगर बच्चा गर्भ में अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो वो उछल कूद जरूर करेगा। तो इसलिए जो है अगर आपका 4th या 5वें महीने में बच्चे की मूवमेंट होने लग गई है, मगर पूरे दिन में अगर आपको कभी भी मूवमेंट फील नहीं हुई है, तो भी ये एक अनहेल्दी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है कि बच्चा जो है आपके गर्भ में आज क्यों नहीं घूमा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि पानी की थैली के अंदर आपके पानी की कमी ना होने देना। अगर पानी की थैली में कम पानी होगा तो बच्चा एक्टिव नहीं होगा, बच्चा घूम फिर नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है आपको प्रेगनेंसी के दौरान पानी का इंटेक अच्छे से रखना है, ताकि बच्चे के अंदर जो है घूमने की, खेलने कूदने की क्षमता जो है, उसके पास सिर्फ पानी होता है और गर्भ नाल होता है, वो गर्भ नाल को पकड़ता है और सारे में ऐसे घूमता रहता है। तो इसलिए जो है आपको पानी का इंटेक अपना बढ़ा देना है, ताकि आपके बच्चे के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। इसके बाद अगर आपको BP है तो आपको जो है टाइम टू टाइम डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जल्दी से हाई BP हो जाता है तो उससे बच्चे को अंदर घबराहट होती है, और जब बच्चे को घबराहट होती है तो बच्चा बहुत तेज की हलचल करता है। तो ज़्यादा हलचल करने का मतलब भी ये होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा तनाव आया है जिसके कारण जो है बच्चे को गर्भ में परेशानी हो रही है। इसके बाद है फ्रेंड्स कि आपको स्पॉटिंग होना 8वें 9वें महीने में। हाँ बेटा, आ रही बेटा। 8वें या 9वें महीने में अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे जाने का मुंह खुल रहा है और बच्चा जो है आपका डिलीवर होने वाला है। मगर 5वें या 4थे महीने में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ये खतरे की घंटी होती है कि बच्चा जो है मिसकैरेज के चांस इसके अंदर ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको पूरा जो है बेड रेस्ट रहना है, तो आपको बेड रेस्ट पूरा रहना चाहिए, ताकि आपके अंदर कोई भी बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन ना आए और आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी और हैप्पी प्रेगनेंसी बन सके। ये सारे जो आपको मैं सिम्टम्स बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको जो है रुकना नहीं है घर पे, और तुरंत जो है अपने हॉस्पिटल जाना चाहिए।
इसके बाद ये है कि फ्रेंड्स आपको अपने पूरी गर्भावस्था के दौरान 8वें और 9वें महीने को छोड़ के अगर म्यूकस प्लग का निकलता हुआ दिख रहा है या फिर आपको वाटर डिस्चार्ज दिख रहा है या फिर कोई भी ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज दिख रहा है, ये ऐसे डिस्चार्ज होते हैं, ये इमरजेंसी के साइन कहलाते हैं। तो आपको जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई ज़रूर कॉम्प्लिकेशन है, तभी आपको जो है वाटर लीकेज हुआ है जिसके अंदर बच्चे की पानी की थैली के अंदर जो। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही थी कि पानी की थैली फटेगी तो उससे जो है बच्चे को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है अगर आपकी पानी की थैली फट जाती है तो भी आपको तुरंत जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रेंड ग्रीनिश डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं वो ये होता है कि जब आपकी वजाइना के थ्रू वाइट डिस्चार्ज अगर ग्रीनिश में चेंज होकर निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने जो है गर्भ के अंदर ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज जो है वो तब आता है जब आपके बच्चे जो है गर्भ के अंदर पॉटी या सूसु कर देता है, तो भी आपके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन का दिक्कत हो सकती है क्योंकि बच्चा जो है मुंह के अंदर जिसको मिकोनियम बोलते हैं जो फर्स्ट पॉटी होती है वो अगर ले जाता है तो बच्चे के अंदर जहर फैल जाता है और माँ के अंदर भी जहर फैल जाता है। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको तुरंत जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए। आपके अगर वजाइना के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको महसूस हो रही है तो आपको तब भी जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको वेट नहीं करना है कि हमें जो है अभी मेरे हस्बैंड आएंगे या कोई आएगा, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो स्वस्थ और अच्छे तरीके से इस जीवन में जो आए इस धरती पे आए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार माँ बन रहे हो अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको जो है इन बातों का ज्ञान और समझ होनी चाहिए कि मेरी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, इंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। और एक और बात बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे इसके अलावा जो है ना दो चैनल और है, वो है काजल की प्रेगनेंसी और दूसरा जो है वहाँ पर मैं प्रेगनेंसी से रिलेटिव और बच्चे से रिलेटिव जो है वीडियो डालती हूँ, उसका नाम है काजल की किचन ब्लॉग। तो आप उन चैनल को भी जाकर जो है सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपकी और भी ज़्यादा हेल्प हो सके और आपको एक अच्छी और सच्ची नॉलेज मिल सके। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग काजल प्रेगनेंसी पॉइंट।